Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जिसमें एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद शव को अपनी कार में डालकर अपने ससुराल पहुंच गया और फिर वहां अपनी सास को गोली मार दी। सास को पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी पति को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गंगापुरम में रहने वाला सतेंद्र तेवतिया पास में ही एक डेयरी चलाता है और रिटायर्ड दरोगा का बेटा है। बुधवार शाम को ससुराल जाने को लेकर हुए विवाद में अपनी पत्नी राजकुमारी की गोली मारकर उसने हत्या कर दी। साथ ही आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था। उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हत्या की बात कबूल कर ली। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सतेंद्र तेवतिया नाम का एक व्यक्ति, जिसकी 35 साल के करीब उम्र है और वो मसूरी के रहने वाले हैं, उसने आज अपनी पत्नी, जिनका नाम राजकुमारी, उम्र करीब 30 साल के करीब है, उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनकी डेड बॉडी को, मृत शरीर को कार में सेंट्रों में उसने पीछे रखा और उसके बाद वो अपने ससुराल जो कि कवि नगर थाना क्षेत्र में है वहाँ आया और वहाँ उसने अपने सास को, जो उसकी मदर इन लॉ थी इंद्रावती, उन पर भी उसने दो गोलियाँ चलाई। इंद्रावती जी की भी स्थिति क्रिटिकल है, उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनका सीटी स्कैन कराया जा रहा है। गाड़ी में मारा है। हाँ, कैसे मारा? गोली मारी है। गाड़ी में बिठाया? हाँ। क्या कह के? नहीं, उसकी मम्मी बुला रही थी कि घर आ जाओ। हाँ। मैं ठीक आ रहा हूँ। Hi, this is Aftab Shirdasani. Keep watching Expose India.